शहीद आजम भगत सिंह को जब लाहौर जेल में फांसी हुई उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा जिसको उन्होंने कहा कि यह मेरा घोषणा पत्र है और ये पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए। बात क्या थी, जब भगत सिंह को फांसी होने की घोषणा हो गई तो देश के अखबारों में एक चर्चा चल पड़ी। अंग्रेजी सरकार उस चर्चा में हिस्सेदार हो गई। अंग्रेजी सरकार कहती थी कि भगत सिंह आतंकवादी है, भारत के लोग कहते थे कि भगत सिंह क्रांतिकारी है। अब क्रांतिकारी और आतंकवादी की बहस शुरू हुई तो अंग्रेजी अखबार जो उस समय छपा करते थे, आज भी उनमें से एक दो अखबार इस देश में चलते हैं, तो उन अंग्रेजी अखबारों में अंग्रेज सरकार के समर्थन में लिखा जाता था कि भगत सिंह और उनके जो सहयोगी हैं चंद्रशेखर, उनके जो सहयोगी रोशन सिंह, मन्मथनाथ गुप्त, ये सब आतंकवादी हैं। तो भगत सिंह को एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा और उनको ये बताना पड़ा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हमने बहुत सोच समझकर जानबूझकर ये क्रांतिकारी कदम उठाया है और हमारे कोई सपने हैं जिनके लिए हम अपने को बलिदान कर रहे हैं, हम ऐसे ही साधारण लोग नहीं हैं, आतंकवादी नहीं हैं। उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा कि हम क्या चाहते हैं, उन्होंने लिखा कि हम चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजों की सरकार चली जाए, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था समाप्त हो जाए और उसके बाद भारत में जो व्यवस्था बने वो स्वदेशी व्यवस्था हो, पूर्ण रूप से स्वराज्य वाली व्यवस्था हो। तो उन्होंने जब घोषणा पत्र लिखा तो बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि अंग्रेजों के जाने के तत्काल बाद इस देश में अंग्रेजों की शासन व्यवस्था चली जानी चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून समाप्त हो जाने चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजों के बनाए गए सब नियम बदल जाने चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी चली जानी चाहिए, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। एक लंबा घोषणा पत्र है जिसमें 29 बातें उन्होंने लिखी और उस घोषणा पत्र पर शहीद आजम भगत सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया। बाद में जब घोषणा पत्र जेल के बाहर आया तो उनके दूसरे सहयोगियों के हस्ताक्षर उस पर हुए, उस पर चंद्रशेखर आजाद के हस्ताक्षर हैं, उस पर ठाकुर रोशन सिंह के हस्ताक्षर हैं, उस पर रामप्रसाद बिस्मिल के हस्ताक्षर हैं। ऐसे उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारियों के हस्ताक्षर से वो घोषणा पत्र जारी हुआ, सारे देश के अखबारों में वो छपा। तब भारत के लोगों को ये पता चला कि ये सारे क्रांतिकारी किसी सपने के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, शहादत को अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं। और वो सपना क्या है, अंग्रेज चले जाएं, ये बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह ने तो 1928 में ये बात कही थी, आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर। सन 1928 में एक अखबार का संपादक भगत सिंह जी को मिलने गया लाहौर के सेंट्रल जेल में, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी तो आने ही वाली है। वो संपादक हैरान हो गया, आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा मुझे मालूम है आज़ादी आने वाली है। तो संपादक ने पूछ लिया कितने दिन में, तो उन्होंने कहा 15-16 साल में आज़ादी तो आ ही जाएगी, अंग्रेजों को तो जाना ही पड़ेगा, वो तो यहाँ नहीं रह पाएंगे और हम तो उनसे किसी भी तरह से आज़ादी ले लेंगे, लड़कर ले लेंगे, भिड़कर ले लेंगे, जैसे भी चाहें हम तो आज़ादी ले ही लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आज़ादी आने के बाद अंग्रेज तो चले जाएंगे, अंग्रेजियत जाएगी क्या, ये सवाल उन्होंने किया था। तो संपादक को समझ में नहीं आया अंग्रेजियत का माने क्या, तो भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था, ये सब मिलाकर अंग्रेजियत, ये चली जाए इस देश में से तब हमारा स्वप्न पूरा होगा। और इस बात को कहने वाले उस जमाने के 7 बड़े क्रांतिकारी थे जिनके हस्ताक्षर से ये जारी हुआ। ये सारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा को अपनी आजादी का रास्ता मानते थे और वो बोलते थे कि अंग्रेजों से हिंसा करके ही हम आजादी ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी इस देश में हुए जो अहिंसा को आजादी का रास्ता मान के काम करते थे, उनमें महात्मा गांधी एक थे, फिरोज शाह मेहता एक थे, गोपाल कृष्ण गोखले एक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक थे। ऐसे क्रांतिकारी जो अहिंसा को रास्ता मान के चलते थे, ऐसे क्रांतिकारी जो हिंसा को रास्ता मानकर चलते थे, दोनों के समय के अलग अलग समय के घोषणा पत्रों को मैंने पढ़ा है, वो एक ही हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं।
महात्मा गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया संपूर्ण स्वराज्य के लिए, और महात्मा गांधी के सहयोगियों ने उस पर हस्ताक्षर किए। लाहौर में वो जारी हुआ 1930 में। तो उस घोषणा पत्र में भी यही लिखा हुआ है कि हमको संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उसको स्पष्ट किया गया है वो ये कि अंग्रेज तो चले ही जाएंगे, उनके जाने का हमें कोई मन में संशय नहीं है। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी जो व्यवस्था है वो इस देश में नहीं रहनी चाहिए। गांधी जी भी वही बात कहते हैं, अंग्रेजियत जानी चाहिए, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों की भाषा। गांधी जी तो इतने ज्यादा उग्र थे, वो कहते थे कि एक दिन के लिए मुझे भारत में अंग्रेजों के जाने के बाद राज्य चलाने का मौका मिले, सिर्फ एक दिन के लिए, तो सबसे पहले मैं दो ही काम करूंगा, एक तो अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून जला दूंगा, और अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी, इसको एक दिन में पूरे देश में से खत्म कर दूंगा। अब हम ध्यान से देखें तो मैं ये मानता हूं वो ये कि भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ठाकुर रोशन सिंह हो, अशफाक उल्ला हो, ये क्रांतिकारी हिंसा को रास्ता मान के काम करने वाले, महात्मा गांधी हो, मदन मोहन मालवीय हो, या सरदार पटेल हो, या उनके सहयोगी हो फिरोज शाह मेहता वगैरह, ये अहिंसा को रास्ता मानकर चलने वाले दोनों ही क्रांतिकारी कैंची की तरह से काम करते थे। कैंची होती है ना, सीजर जिसको हम कहते हैं, उसमें एक फलक मान लो हिंसा वाला, दूसरा अहिंसा वाला, काम दोनों मिलके अंग्रेजों की जड़ काटने का ही कर रहे थे। रास्ते अलग अलग थे, मान्यताएं अलग अलग थी, उद्देश्य दोनों का एक ही था। तो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब हिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले, अहिंसा को आधार बनाकर क्रांति करने वाले, सबके सपने एक ही थे, तो आजादी मिलने के तत्काल बाद भारत सरकार को यह करना चाहिए था कि क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में काम होना। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में कोई काम नहीं हुआ। मुझे तो इतना अफसोस है इस देश के बारे में, आजादी मिलने के बाद का देश हमारा कैसा है। हमारे देश में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, ऐसे लोग इस देश की सरकार की सूची में कहीं नहीं है। और जिन लोगों ने देश से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की, अंग्रेजों से दोस्ती की, अंग्रेजों का सहयोग किया, वो इस देश की शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए।